कैसे पता चल रहा है कि हम कहाँ हैं? दोस्तों, जॉन अब्राहम बॉलीवुड इंडस्ट्री में लगातार कुछ ऐसी फिल्में करते हुए सामने आ रहे हैं जिन्हें दर्शकों की ओर से बेइंतहा मोहब्बत मिल रही है। चाहे वो उनकी फिल्म हो सत्यमेव जयते, चाहे वो उनकी फिल्म हो बाटला हाउस, यहाँ लगातार उनकी फिल्मों को प्यार उनके फैंस की ओर से मिलता आ रहा है। अब ऐसे में उन्होंने कोशिश की कि वो थोड़ा बहुत अपना जॉनर अलग कर दे। कॉमेडी में भी वो फिर से आ गए फिल्म पागलपंती के साथ, लेकिन फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई, जिसकी एक ये वजह है कि अब जॉन अब्राहम उसी ट्रैक पर चलने वाले हैं जिस ट्रैक पर उनके फैंस उन्हें पसंद करते हैं। सत्यमेव जयते जैसी फिल्म को वो एक बार फिर से लेकर आ रहे हैं। 15 अगस्त के करीब ये फिल्म रिलीज की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि उनकी बस एक ही फिल्म का रीमेक नहीं बनने जा रहा, सीक्वल नहीं बनने जा रहा, बल्कि उनकी एक और फिल्म के सीक्वल को बनाने की तैयारी की जा रही है, और ये फिल्म है फोर्स 3। जी हाँ, फोर्स 3 फिल्म जॉन अब्राहम के अभी तक के करियर की सबसे सफल फिल्मों में से एक रही है। जॉन अब्राहम लगभग 50 से ज्यादा फिल्में करते हुए अपने बॉलीवुड के करियर में दिखाई दिए। हर एक फिल्म को खूब पसंद किया गया, उनके हर एक तरह के किरदार को अभी तक पसंद किया गया। लेकिन जो एसीपी यशवर्धन के किरदार में वो नजर आए फिल्म फोर्स में, वो फिल्म बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुई, जिसके पीछे की वजह है कि एसीपी यशवर्धन को एक बार फिर से हर कोई देखना चाहता है। याद होगी आप सभी को साल 2011 में आई फिल्म फोर्स, जिसमें जॉन अब्राहम के साथ नजर आई थी जेनेलिया डिसूजा। ये फिल्म बहुत ही अच्छी साबित हुई। इस फिल्म के विलन बने थे विद्युत जामवाल। इस फिल्म में लड़ाई हो या फिर प्यार हो, हर किसी ने खूब पसंद किया गया। तो वहीं एक सीन तो बहुत पॉपुलर रहा जहां बाइक को उठाते हुए जॉन अब्राहम दिखाई दिए थे। ये हर जगह सुर्खियां बटोरता हुआ देखा गया, जहां उनकी पूरी की पूरी शक्ति यहां वो लगाते हुए नजर आ गए इस सीन को बहुत ही परफेक्ट बनाने के लिए। ये फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई, इसी वजह से साल 2011 में इस फिल्म ने 39 करोड़ की कमाई की। और ऐसा ही कुछ साल 2011 में आई फोर्स 2 के साथ भी हुआ, जहां स्टार कास्ट काफी हद तक चेंज हो गई। एसीपी यशवर्धन के ही किरदार में जॉन अब्राहम को देखा गया। कहानी उसके बाद कंटिन्यू की गई थी, क्योंकि पार्ट 1 में जेनेलिया डिसूजा यानी कि एसीपी यशवर्धन की पत्नी माया की डेथ हो जाती है, विलन उसे मार देता है। तो दूसरे पार्ट में उनकी न्यू यहां पर लव स्टोरी दिखाई जाती है सोनाक्षी सिन्हा के साथ। ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई थी, जहां पर ताहिर भसीम इस फिल्म के विलन बने थे और फिल्म को बहुत ज्यादा प्यार मिला, जिस वजह से इस फिल्म ने 60 करोड़ के करीब की कमाई की थी। अब इंतजार है ये देखने का कि सोनाक्षी सिन्हा तो इस फिल्म में आखिरी तक जॉन अब्राहम के साथ मौजूद थी, तो क्या फोर्स 3 में इन दोनों की ही कहानी को कंटिन्यू किया जाने वाला है, और इस बार फिल्म का विलन कौन दिखाया जाएगा, फिल्म की कहानी किस तरह से पेश की जाएगी फोर्स 3 में, और आखिर फिल्म कब तक सामने आ पाएगी, क्योंकि उम्मीद है कि साल 2021 या 22 तक इसे रिलीज कर दिया जाएगा। फिलहाल आप सभी कितना इंतजार कर रहे हैं फोर्स 3 का, कमेंट करके जरूर बताएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाए।